वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीरियन पर। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। आखिर एग्रीकल्चर है क्या? तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो है, इट इज़ अ साइंस जो कि डील करता है प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट। तो ये है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। तो जो है एग्रीकल्चर का बेसिक, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि एग्रीकल्चर का बेसिक क्या है। और इस बेसिक से भी करीब 5 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन तो हर साल आपको किसी ना किसी उसमें मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर जो मैं आपको बेसिक ये एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आपको वेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। एग्रीकल्चर जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम एग्री और कल्चरा दो शब्द में मिलके बना है एग्रीकल्चर। तो जिसमें लैटिन में एग्री को बोलते हैं हम सॉइल और कल्चरा को बोलते हैं कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया सॉइल कल्टीवेशन। तो ये जो क्वेश्चन है लैटिन भाषा वाला, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि एग्रीकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेटेड है, किस भाषा से। ये जो है, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है, एंड सो ऑन। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक छोटी सी ही ब्रांच नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर सब ब्रांचेस भी बहुत हैं। तो एग्रीकल्चर जो है एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। तो एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी एक ब्रांच एग्रीकल्चर की है, जिसमें कि हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन वगैरह रहा, उनका मैनेजमेंट रहा, उनकी प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, कैसे उनको फार्मिंग करनी है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर रहा, हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फ्रूट्स वगैरह रहे, सब्जियां वगैरह रही, वेजिटेबल्स वगैरह रहे, इन सब की स्टडी करते हैं। फ्लोरिकल्चर रहा, फूल वगैरह का रहा, ओलरिकल्चर रहा, ये सब जो है हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांचेस है। तो हॉर्टिकल्चर में जो है हम फ्रूट्स वगैरह के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच और है एनिमल साइंस, जो कि हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जानते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है एनिमल साइंस की, जिसमें कि हम जो एनिमल न्यूट्रिशन वगैरह है, एनिमल रियरिंग वगैरह है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि मतलब किस तरीके से एनिमल्स को रखा जाए, किस तरीके से एनिमल की ब्रीडिंग की जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, किस तरीके से लाइव स्टॉक मैनेजमेंट किया जाए, वो सब चीज़ें जो है वो हम एनिमल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी एग्रीकल्चर का इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज जबकि हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के प्लाव वगैरह जो हैं वो कि जो कि काम में लाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ही इन्वेंटेड हैं। जैसे कि आजकल की जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जीरो टिल, तो जीरो टिल जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ही, यहाँ से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ही ओरिजिनेटेड है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम है, काफ़ी ज़्यादा का बहुत ही हद तक काम है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जितना भी होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मशीन्स या टूल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हम फार्म की बजटिंग वगैरह, जैसे कोई बड़ा फार्म है, उसके बारे में हमें मतलब उसकी कैपिटल वगैरह का हिसाब किताब रखना है, या उसके उसमें मतलब कितना खर्चा वगैरह हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं उसकी मतलब आर्थिक जितनी भी वो हैं, इकोनॉमिक्स जितनी भी वो है, वो सारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर ही उस सबका हिसाब किताब वगैरह सब कुछ किया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। विस्तार का मतलब जो होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर मास कम्युनिकेशन वगैरह आते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी निकली तो उसको किसान तक कैसे पहुंचाना है, तो वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेज होते हैं, जैसे कि फार्म विजिट रहा, मीटिंग्स रही, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर हम लोग करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ब्रांच ऐसी है जिसके द्वारा ही कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जैसे सपोज करिए कुछ IARI ने कुछ चीज़ निकाली, तो IARI खुद तो नहीं जाएगा हर किसान के पास, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये जो वैरायटी वगैरह है उसका जो
ट्रांसफर है वो किसान तक किया जाता है, उसके नॉलेज में लाया जाता है कि हाँ भैया ये बीज भी आ चुका है आपके उसके हिसाब से, तो आप इसको बोइए, या ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के द्वारा ही हो पाता है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के मतलब इसमें प्योर मैथमेटिक्स नहीं आती है, लेकिन ये है कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के अंदर ये आता है कि फार्म का साइज वगैरह क्या रखना है, फार्म्स पे कितने मतलब रेप्लिकेशंस वगैरह जो होते हैं, ये अनोवा टेबल वगैरह जो पड़ी है वो सब एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के अंदर ही आती है। और एग्रीकल्चर के स्टैटिक्स के अंदर ही कुछ पार्ट उसका मेट्रोलॉजी का भी आता है, जिसमें कि थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह होता है, वो सब एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के अंदर आता है। तो ये जो है ये बेसिक ब्रांचेस हैं ये जो मैंने आपको बता दी। तो कभी कभी इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, मैंने एक एग्जाम था कोई उसमें ये देखा था कि एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू, तो उसमें ये दे रखा था एग्रोनॉमी दे रखा था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दे रखा था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्टैटिक्स, और नीचे दे रखा था ऑल ऑफ दीज। तो एग्रीकल्चर इन सबसे ही रिलेटेड है, तो आपको ऑल ऑफ दीज पर टिक करना है, ये बात आप याद रखिएगा। अब रहा स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मैंने क्यों लिख रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारा फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ मैं, फालतू की एक भी चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप सोचें कि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक तो है, लेकिन ये बेसिक ऐसा है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से इस चीज को आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें अगर आपके पास नहीं है, और वैसे अगर आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तो, ताकि ये है कि अगर आगे भी जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुँच सकेगा। तो स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो वो 9500 BC में, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ था। और एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के साथ साथ एक चीज क्वेश्चन में और आती है कि जो फर्स्ट क्रॉप है वो कौन सी कल्टीवेट हुई थी, तो वीट एंड बार्ले जो थी वो 7500 बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट में कल्टीवेटेड थी। अब ऐसे ही मेज वगैरह का, ये जो मेज वगैरह के हैं, मेज का रहा, प्लाव का रहा, इरिगेटेड फार्मिंग का रहा, ये सारे जो हैं ये कुछ ईयर्स हैं, ये जो हैं ये BHU वगैरह में बेसिकली इतना नहीं आते हैं। BHU में पोटैटो आ जाता है, राइस का आता है, तो BHU वालों के लिए केवल इतना ही याद करने की जरूरत है। लेकिन जो GRF एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये तो मस्ट है, ये सारे आने ही आने हैं। इनमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैचिंग बना के दे देता है कि मेज बताइए कितना है, तो उसकी मैचिंग में यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिए, ये आपके बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट है, इसमें करीब नहीं तो मैंने एक करीब 10 क्वेश्चन मैंने इसमें आपके कवर कर दिए हैं। तो इसको आप बेसिकली ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को देख के आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए इसको अगर आपके पास ये डाटा नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा डाटा है और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।